Hello friends, this is Varsha here. Let's have session today, perimeter and area, exercise 11.4, question number 9. The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find the area of the whole land and the area of the flower bed. तो ये क्वेश्चन में है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, यहाँ देखिए, और जिसका लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर. अब उसके अंदर एक फ्लावर बेड है, ये जो है फ्लावर बेड है जिसका रेडियस गिवन है 2 मीटर. तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में, द एरिया ऑफ द होल लैंड. अब इस पूरे ये जो होल लैंड है इसका एरिया क्या होगा, तो क्या इसका एरिया हो जाएगा होल लैंड इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ. तो लेंथ है 10 मीटर, 10 इंटू ब्रेथ है 5, तो 10 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर. तो ये निकल गया एरिया ऑफ होल लैंड. अब कह रहा है 9 क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. तो इस फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई का मान 3.14 लिखेंगे, आर कितना है रेडियस 2 मीटर, तो इंटू 2 इंटू 2, तो 3.14 इंटू 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4. अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 का 6, 1 यहाँ, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12. अब 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट देंगे, तो हो गया 12.56 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया इस फ्लावर बेड का एरिया, और ये हो गया पूरे लैंड का, ये जो होल लैंड था उसका एरिया आ गया 50 मीटर स्क्वायर, और ये फ्लावर बेड का एरिया आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. तो एक्सक्लूडिंग का मीन्स क्या होता है, मतलब एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ लॉन, अब इस लॉन का एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड को छोड़कर, इसको मतलब हटाकर. तो इसको क्या निकाल जाएगा, इसको ऐसे निकालेंगे, द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल्स टू द एरिया ऑफ होल लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड. तो एरिया ऑफ होल लैंड कितना आया था, 50 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 50 माइनस, और ये फ्लावर बेड का एरिया आया था 12.56. अब इसको माइनस कर लेंगे, 12.56. अब ये जीरो में से 6 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 9 और ये 4. तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पॉइंट, 4 में से 1 जाएगा 3. तो हो गया 37.44 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. तो ये इसका एरिया निकाल गया. अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट में, द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड. तो द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड क्या होगा, इस फ्लावर बेड का सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr. तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 2, तो 3.14 इंटू 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4. अब 3.14 में
फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर जा 16, सिक्स यहाँ, वन यहाँ, फोर वन जा फोर और वन फाइव, फोर थ्री जा 12। अब दो अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो दो अंक के बाद यहाँ पॉइंट देंगे तो हो गया 12.56 मीटर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फोर का, द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड 12.56 मीटर। फिर ये था द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये आ गया 337.44 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ होल लैंड आ गया 50 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।